हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं अपनी क्लास में कभी फेल नहीं होता था, हमेशा टॉप करता था। और तुम लोगों को पता है मेरे टीचर्स मुझसे क्या कहा करते थे? वही बात। उल्लू के पट्टो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे किस्से सुना रहा हूँ, एक अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, और तुम आपस में बातें किए जा रहे हो, आपस में खुसर खुसर कर रहे हो। पापा लेक्चर तो हम स्कूल में नहीं लेते जिसके लिए आप फीस देते हो, और यहाँ तो आप फ्री बांट रहे हो। अरे छोड़िए ना, क्या आप भी बच्चा है वो, अपनी बात बताइए ना कि आप स्कूल कैसे जाते थे। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैं स्कूल कैसे जाता था। सबसे पहले हम दो पहाड़ चढ़ता था, फिर नीचे दन दनाते हुए गहरी खाई में गिरते थे, फिर कभी ना खत्म होने वाला समंदर तैर के पार करते थे, और फिर नंगे पांव सहरा से होते हुए जंगल के रास्ते स्कूल पहुंचता था। बच्चे कब से भूखे। अरे बैठ जा यार, तू भी क्या कर रही है। अरे मम्मी बैठ जाओ ना, आपका शोहर कुछ बता रहा है तो सुन लो उसे। बेटा तेरा बाप मैं हूँ, तू मेरा बाप नहीं। सॉरी पापा। हाँ तो कहाँ था मैं? पापा जंगल में। बेटा संभल जा, वरना ऐसा पीटूंगा कि एक हफ्ते तक अपनी पीठ बिस्तर पे नहीं लगा पाएगा। हाँ तो मैं बता रहा था कि कभी कभी तो जंगल के रास्ते में शेर मिलता था, शेर। लेकिन मैं रुकता नहीं था, डरता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी होती थी और स्कूल पहुंचता था। चलिए जी अब तो उठो, मैं बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे कि सुबह से बिठा के रखा है, कुछ खिलाया पिलाया तो है नहीं। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हें पता है ना आज संडे है, और संडे को मैं खाना बनाता हूँ। बैठो तुम मेरी बातें सुनो, मैं बना लूंगा खुद ही खाना। अरे पापा आप बुलाने आ गए, हम बस उठ ही रहे थे खाने के लिए। अरे रुको रुको, मैं पूछने आया था कि खाने में क्या खाओगे। चिकन काला टायर या बटन पंचर साइकिल? क्या मतलब अभी खाना बना नहीं? नहीं अभी बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा थोड़ी देर में। अरे पापा कमाल करते हो यार, 2 बजने वाले हैं, लोग लंच कर चुके होते हैं इस वक्त, आपने अभी तक हमें नाश्ता नहीं करवाया। अरे बेटा थोड़ी देर और सब्र कर लो, चिकन काला टायर और मटन पंचर साइकिल चूल्हे में चढ़ा दिए कुकर में। अरे पापा ये क्या खिला रहे हो हमें, ये चिकन काला टायर और मटन पंचर साइकिल तो नाम ही हमने पहली दफा सुने। जी बिल्कुल। अरे तुम लोगों ने कभी अच्छा खाना खाया भी है जिंदगी में? पापा आई थिंक अच्छा खाना खिलाने की जिम्मेदारी आप पर ही थी। मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर तू। पापा खाना तो पता नहीं कब बनेगा, तब तक मैं भाई से जाकर कुछ ले आऊं खाने के लिए। अरे ले लिए बेटा, कुछ भी खाना बस, वरना भूख मर जाएगी, स्वाद नहीं लगेगा फिर खाने का। पापा भूख बाद में मरेगी, पहले हम लोग मर जाएंगे। पापा 3 सीटी की आवाज आ गई है, लगता है मुझे बन गया खाना। अरे तुम्हारी माँ खाना बनाने कहाँ आता है, वो जैसे बस खाने के राह पे बराती है, जहर बराती है जहर। अरे पापा इस सब में मम्मी कहाँ से आ गई? अरे खाना शौक से बनता है, और मटन की तासीर ही यही है कि वो धीमी आंच पे पकता है। पापा क्या था ये, बनता हुआ क्यों रोक दिया, बन गया था ना वो। चुप है माँ के चमचे, और ये तुम बार बार पीछे क्या देख रहे हो, कोई भूत देख रहे हो क्या? आप खुद ही देख लो। अरे ये भूत नहीं, ये तो चुड़ैल है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।